नमस्कार, रात के 9 बजे हैं। मैं हूं दीपक चौरसिया और वक्त है खोज खबर का। खोज खबर में आज आपको दिखाएंगे दिल्ली दमघोटू हवा के कहर के बीच नेताओं की सियासत। हम ये भी बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिवन पर केजरीवाल सरकार की खिंचाई की है। बात होगी महाराष्ट्र में जारी सियासी असमंजस की। इसके अलावा दिल्ली में काले कोट और खाकी के बीच जारी संग्राम की भी बात करेंगे। रात 9:27 पर खोज खबर स्पेशल में बात होगी पाकिस्तान की साजिशों की। लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर एक नजर। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। पुणे में तंत्र मंत्र के नाम पर ठगने वाले बाबा की महिलाओं ने की पिटाई, अश्लील हरकतें करने और ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। दिल्ली के रोहिणी में हंसराज हंस के दफ्तर के बाहर फायरिंग, मुलाकात का वक्त न मिलने से नाराज था, गोली चलाकर हुआ फरार। श्रीनगर के हरि सिंह मार्ग पर आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला, सीसीटीवी फुटेज आया सामने, एक की मौत, 18 जख्मी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मिला आतंकियों का खुफिया ठिकाना, जमीन के अंदर मौजूद थी सारी सुविधाएं, सुरक्षा बलों ने किया तबाह। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 1200 नए बैंकर बनाए गए, पाकिस्तानी फायरिंग से बचने के लिए किए गए हैं इंतजाम। दिल्ली में आज भी वकीलों का हंगामा, साकेत कोर्ट के बाहर पुलिस वाले की पिटाई, 30,000 कोर्ट हिंसा के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन। कानपुर में भी वकीलों का हंगामा, एम्बुलेंस को नहीं दिया रास्ता, बाइक सवार पुलिसकर्मी की मारपीट। कमलनाथ सरकार के खिलाफ बीजेपी का किसान आक्रोश आंदोलन, कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में उज्जैन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। वसंत कुंज थाने के बाहर जेएनयू के छात्रों का हंगामा, वीसी के खिलाफ दर्ज कराया गुमशुदगी का मामला, फीस बढ़ोतरी के विरोध में कर रहे प्रदर्शन। इराक में सरकार विरोधी आंदोलन जारी, बगदाद में प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। दक्षिणी फ्रांस में तूफान की आहट से दहशत, कई इलाकों में अलर्ट जारी, बिजली सप्लाई भी ठप। हिमाचल के रोहतांग बर्फबारी से रफ्तार पर लगा ब्रेक, मनाली से लाहौल वाली गाड़ियां वापस लौटी। हैदराबाद में सोने के नकली सिक्कों के साथ दो ठग गिरफ्तार, असली बताकर लोगों से करता था ठगी, 9 लाख कैश भी बरामद। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ऑडिवन पर उठाए सवाल, पूछा डीजल की गाड़ियों पर क्यों नहीं लगा बैन। पंजाब में पराली जलाने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, कहा केंद्र सरकार किसानों को पराली के बदले पैसे दे। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, कई जगहों पर आज भी 900 के करीब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। पीएम के प्रधान सचिव ने की प्रदूषण को लेकर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के साथ बैठक, उठाए गए कदमों की समीक्षा, पराली जलाने और प्रदूषण रोकने पर उठाए गए कदमों की मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले शरद पवार, हमारे पास नहीं सरकार बनाने का संख्या बल, सोनिया गांधी से नहीं हुई महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर बात। सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल हुए एकजुट, अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम मुद्दों पर बनी रणनीति, संसद से सड़क तक विरोध करने का ऐलान। भारत नहीं करेगा आरसीईपी ज्वाइन, पीएम मोदी ने भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए समझौता नहीं करने का किया फैसला। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के कारों की होगी नीलामी, न्यूज नेशन के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें, 7 नवंबर को ऑनलाइन नीलामी के जरिए वसूले जाएंगे पैसे। न्यूयॉर्क में नकाबपोश बदमाश ने बुजुर्ग पर किया ताबड़तोड़ हमला, लूट के इरादे से वारदात को दिया अंजाम। 101 साल तक नियाग्रा वाटरफॉल्स में फंसी रही नाव, तूफान में बही, लोग नाव को समझते थे चट्टान, अचानक कनाडा की ओर बही नाव। रूस में हाईवे पर आया हेलीकॉप्टर, सड़क किनारे लगे बैरियर के नजदीक से गुजरा, राहगीरों की थम गई सांसें। भेड़ों के झुंड ने रोकी कार, भेड़ कार के चारों ओर चक्कर काटने लगे, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल।
और बात सबसे पहले दिल्ली की, जहां पर सांसों का आपातकाल लागू हो गया है। दिल्ली में लोग प्रदूषण से परेशान है, बाहर दम घुट रहा है, घर में बेचैनी है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के मकसद से आज राजधानी में ऑड इवन का फार्मूला लागू किया गया। यही उम्मीद की जाती है कि प्रदूषण जैसे मुद्दों पर नेता सियासी नफे नुकसान से ऊपर उठकर बात करेंगे, लेकिन ऑड इवन फार्मूले को लेकर दिल्ली में दिन भर सियासत होती रही। ऐसी सियासत जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं से राजनीति से बाज आने के लिए कहा है। पोस्टर बैनर के जरिए जागरूकता की कोशिश, दिल्ली के सीएम की कारपूलिंग, डिप्टी सीएम की साइकिल सवारी, कैमरे के सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बहस। ये देखो पिछली बार की रिपोर्ट है, इसमें फायदा नहीं हुआ था, इस बार फायदा होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑड इवन फार्मूले के लागू होने के पहले दिन दिल्ली में यही तीन तस्वीरें नजर आईं। क्या ऑड इवन फार्मूले से दिल्ली का प्रदूषण कम होगा? इस सवाल पर केजरीवाल सरकार के अपने तर्क हैं। उस फसल वाले धुएं पे तो मेरा हमारा दिल्ली के लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपना दिल्ली का जो अभी पोल्यूशन है अपना लोकल, उसको तो कम कर ही सकते हैं। जितना कम करें तो दिल्ली में 30 लाख गाड़ियां रोज सड़कों पे चलती हैं, ऑड इवन करने से ये आधी हो जाएंगी, 15 लाख गाड़ियां सड़क से बाहर हो जाएंगी। ऑड इवन को लेकर दिल्ली सरकार आत्मविश्वास से भरी है, दिल्ली वासियों को सहयोग के लिए धन्यवाद दे रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर दिल्ली सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये 1500 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में बेकार करने के बजाय दिल्ली सरकार दिल्ली का प्रदूषण कम होने के लिए 1500 करोड़ किसानों को क्यों नहीं देती? पूरे साल, इस साल, मौजूदा साल में 40 करोड़ के विज्ञापन खर्च किए हैं। ये शोभा नहीं देता एक केंद्रीय मंत्री को इस तरह से टीवी पे आके झूठ बोलना सरासर। ऑड इवन पर केंद्र और राज्य में तकरार है, दिल्ली की सियासत में भी उफान है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है। बीजेपी नेता विजय गोयल अपनी ऑड नंबर वाली कार लेकर दिल्ली के सड़क पर उतरे और चालान कटवाया। ऑड इवन फॉर्मूले पर मीडिया के सामने विजय गोयल और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत में बहस भी हुई। हम सबको मिलके इस चीज को बिल्कुल कम करना है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सियासत हो रही है, इस सियासत पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि शहर का दम घुट रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आरोप प्रत्यारोप में उलझे हैं। दिल्ली सरकार ऑड इवन फार्मूले को अपनी उपलब्धि बता रही है, लेकिन दिल्ली सरकार के इस फार्मूले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम को कटघरे में खड़ा किया है। ऑड इवन फार्मूले से कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा है। प्रदूषण रोकने के लिए ऑड इवन फार्मूले पर सवाल, ऑड इवन फार्मूला लागू होने से क्या होगा? क्या दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए ऑड इवन स्कीम कारगर है? केजरीवाल सरकार की कोशिशों पर विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्कीम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ एक तरह की गाड़ियों पर रोक लगाई गई है, लोग ऑटो रिक्शा और टैक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में ऑड इवन स्कीम लागू करने का मकसद क्या है? अगर प्रदूषण की रोकथाम के लिए डीजल गाड़ियों पर रोक लगाई जाती तो बात समझ में आती। भले ही ऑड इवन फॉर्मूले पर सवाल है, लेकिन केजरीवाल सरकार की अपनी दलीलें हैं। सड़कों पे कम से कम गाड़ियां रहें ताकि प्रदूषण कम हो। थोड़ा बहुत हो सकता है हमें कष्ट हो, लेकिन मेरे ख्याल से एक जो बड़ा आज हम पूरी दिल्ली जो जूझ रही है प्रदूषण से, उसको हमें बिल्कुल साथ मिलके कम करना है। हम सबको मिलके हमको ये सोचना है कि भाई कम से कम गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पे रहें ताकि प्रदूषण जितना कम हो सके उतना कम। अगर पॉल्यूशन के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 2018 की टेरी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में ट्रैफिक से 28% प्रदूषण होता है, ट्रक और ट्रैक्टर से 9%, दोपहिया वाहन से 7% और प्रदूषण में बस और कार की हिस्सेदारी मात्र 3% है। आंकड़ों से साफ है कि प्रदूषण रोकने के लिए ऑड इवन से आगे भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की ऑड इवन स्कीम पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के फार्मूले के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना ही प्रदूषण से निपटने का एकमात्र उपाय है। जस्टिस दीपक गुप्ता ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में काम करना शुरू किया था तो दिल्ली सरकार ने अगले 3 सालों में 3000 बस लाने का दावा किया था,
लेकिन हकीकत ये है कि आपने पिछले 3 सालों में बमुश्किल 300 बसें ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जोड़ी हैं। दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह पराली को भी बताया जाता है। पराली जलाने की वजह से प्रदूषण बढ़ा है, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। एक आंकड़ा सामने आया है जो इस मामले की गंभीरता को बयां करता है। ये आंकड़ा कहता है कि पंजाब में दीपावली के बाद 2820 जगहों पर पराली जलाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने 3 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को समन भेजा है और उनसे जवाबदेही तय करने के लिए कहा है। पंजाब हरियाणा में जलती पराली से उठता धुएं का गुबार, दिल्ली में प्रदूषण की वजह इसी पराली को बताया जा रहा है। पीजीआई के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एनवायरनमेंट विंग के मुताबिक दिवाली के बाद पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाई गई है। आंकड़े में बताया गया है कि पंजाब में दिवाली के बाद 2820 जगहों पर पराली जली है। पराली जलाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी बेहद सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यूपी के चीफ सेक्रेटरी को समन किया है। कोर्ट ने कहा है कि एक भी पराली नहीं जले ये सुनिश्चित करना पुलिस प्रशासन का काम है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरपंच से लेकर जॉइंट सेक्रेटरी तक सबकी जिम्मेदारी तय होगी। कोर्ट राज्य सरकारों को कदम उठाने के लिए कह रहा है, वहीं पंजाब के सीएम ने सारी जिम्मेदारी केंद्र पर डाल दी है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, पिछले साल भी हमने किया था कि 70% ऑफ फार्मर्स 5 एकड़ से कम है, उनके पास गुंजाइश नहीं कि वो 2 और ऑपरेशन करें जब तक गवर्नमेंट कॉम्पनसेट नहीं करती। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था 100 रुपीज पर क्विंटल अगर फार्मर्स को दिया जाए तो 2 ऑपरेशन करके फिर ये मुसीबत नहीं आएगी। वहां बयानों से साफ है कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और खामियाजा दिल्ली NCR की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर दिल्ली NCR के लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। हवा चलने और सूरज निकलने के साथ प्रदूषण में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अब भी दिल्ली और आसपास के इलाकों की आबोहवा खतरे के निशान से काफी ऊपर है। दिल्ली के अलावा उत्तर भारत के दूसरे शहर भी पॉल्यूशन से परेशान है। दमघोटू हवा से परेशान दिल्ली वालों के लिए सोमवार की सुबह थोड़ी राहत लेकर आई। रविवार के मुकाबले पॉल्यूशन के लेवल में मामूली कमी देखी गई। इसे समझने के लिए पहले आप इन 2 तस्वीरों पर गौर कीजिए। पहली तस्वीर रविवार की है जब दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ इलाकों में 1000 तक पहुंच गया था, जबकि दूसरी तस्वीर सोमवार सुबह की है जब दिल्ली में PM 2.5 का लेवल 500 के नीचे दर्ज किया गया। राजधानी की आबोहवा अभी खतरे से काफी ऊपर है। ऐसे में जगह जगह पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि दिल्ली वालों को हर मुमकिन राहत मिल सके। पेड़ों की भी सफाई हो रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तमाम मंत्रालयों को निर्देश दिए गए हैं अपने आसपास के प्रमिसेस के में जो पेड़ लगे हुए हैं उनको, उनकी सफाई का काम चल रहा है। पेड़ों पर धूल जम जाती है, PM 10 की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यही वजह है कि जो है पेड़ों की अब सफाई पूरी तरीके से की जा रही है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो प्रदूषण का के कण हैं PM 10 का जो स्थिति है उसे नॉर्मलाइज किया जा सके। PM 10 2.5 जो है इस समय दिल्ली NCR में, आपको बता दें, ओवरऑल 400 से भी ज़्यादा ऊंचाई पर आ चुका है, यानी कि 488 के करीब ओवरऑल स्थिति है। मंत्रालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने ऑफिस के बाहर इसी तरीके से छिड़काव करें ताकि जो धूल के कण हैं उनको साफ किया जा सके। दिल्ली की हवा की रफ्तार तेज हुई है, इसके साथ ही पॉल्यूशन से राहत मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई है। ये हवा चली है, थोड़ी सी विंड स्पीड बढ़ी है, सूरज निकला है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि 400 से 450 के बीच में ज़्यादातर इलाकों में PM 2.5 है। पूरा लाइव डेटा है स्काईमेट का, जितने भी सेंसर हैं आप देख सकते हैं। तो ये स्थिति अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सुधरेगी। राजधानी समेत उत्तर भारत के दूसरे शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 317 रहा, जबकि नोएडा में 434 दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में 467 और कानपुर में हवा की गुणवत्ता 427 देखी गई। राहत की बात यह है कि ताज नगरी आगरा में PM 2.0 का लेवल 227 दर्ज किया गया है।
बाकी शहरों के मुकाबले आगरा में हवा के स्तर में सुधार की वजह प्रशासन की ओर से उठाए गए जरूरी कदम को बताया जा रहा है। स्मॉग की वजह से ताजमहल भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन किस तरीके से रोकथाम करने के प्रयास कर रहा है वो हम आपको दिखा दें तस्वीरों में। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि नगर निगम की तरफ से यहाँ पर पेड़ों पर छिड़काव किया जा रहा है। कानपुर और लखनऊ में भी पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन इन शहरों की आबोहवा दिल्ली से ज्यादा बेहतर नहीं है। प्रदूषण से सिर्फ दिल्ली NCR के लोग परेशान नहीं, बल्कि राजधानी लखनऊ के लोगों को भी प्रदूषण से दो चार होना पड़ रहा है। और यही वजह है कि लखनऊ के आसमान पे आप देखें कि कितने ज़्यादा धूल और धुएं के बादल छाए हुए हैं, विजिबिलिटी बेहद कम है। प्रदूषण से निपटने के लिए इस तरह के फौरी उपाय किए गए हैं। फायर ब्रिगेड के लोग हैं, पानी का छिड़काव पेड़ों पर कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कब सरकार बनेगी इसको लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। आज दो महत्वपूर्ण बैठकें दिल्ली में हुई। पहली बैठक गृहमंत्री और देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई। अमित शाह से मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने जल्दी सरकार बनने के संकेत दिए। वहीं शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच भी आज मुलाकात हुई, लेकिन शरद पवार ने यह कहकर कि सरकार बनाने का संख्या बल हमारे पास नहीं है, शिवसेना को एक साफ संकेत दिया है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, रिजल्ट आने के 10 दिन बाद भी यह सवाल उलझा हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सरगर्मी तेज है। दिल्ली में महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अहम बैठक के बाद भी फडणवीस कोई ठोस बयान नहीं दे पाए। महाराष्ट्र को नई सरकार की जल्द से जल्द आवश्यकता है और जल्द से जल्द नई सरकार बनेगी, हम पूरी तरीके से आश्वस्त है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक BJP शिवसेना को CM, स्पीकर और गृह मंत्री का पद नहीं देना चाहती। बताया जा रहा है कि शिवसेना को BJP वित्त और राजस्व मंत्रालय देने को तैयार है। ये भी बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस को शिवसेना नेताओं को बात करने के लिए कहा है। दिल्ली में BJP की अहम बैठक हुई तो मुंबई में शिवसेना नेता संजय राउत राज्यपाल से मिलने गवर्नर हाउस पहुंचे। महाराष्ट्र में क्या होगा इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। आज मगाशी आपण पाहिलं, साधारण तास भर तरी राज्यपालांबरोबर आमची चर्चा झाली। अनेक विषय त्यात होते, सदिच्छा भेटीबरोबर इतर सुद्धा विषय चर्चेला आले होते। त्या संदर्भात मी पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे यांना इत्यंभूत माहिती दिली। मला असं वाटतं त्यांनी संपूर्ण माहिती घेतलेली आहे, त्याच्यावरती आता विचार करतील। शिवसेना BJP में तकरार के बीच दिल्ली में NCP चीफ शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच मुलाकात हुई। NCP सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में कांग्रेस के कई विधायक शिवसेना की सरकार बनवाने के पक्ष में हैं। इसके लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर आज तो इस समय तो हमारे पास नहीं है। BJP और उनके साथीदार, उनके पास नंबर है, सरकार बनाने की जिम्मेदारी उनके पास है, उनके ऊपर है, हम देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। आज सारी दुनिया की नजरें बैंकॉक पर टिकी थी, जहां सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। हालांकि देश के किसानों और कारोबारियों के हित को देखते हुए भारत ने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रहने का फैसला किया है। चलिए आपको बताते हैं RCEP समझौता है क्या। RCEP के तहत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर समझौता हो रहा है। 10 देशों के संगठन आसियान ने डील पर बात शुरू की थी। 6 पार्टनर देशों के साथ 2012 से डील पर बातचीत हो रही थी। भारत भी RCEP समझौते को लेकर बातचीत में शामिल था। पार्टनर देशों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल था। समझौते के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एरिया बनेगा। बैठक में भारत ने अपना पक्ष जोरदार तरीके से रखा। भारतीय सेवाओं और निवेशों के लिए बाजार खोलने की बात कही, लेकिन भारत ने RCEP पार्टनरशिप में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। RCEP समझौते का विरोध क्यों है, यह हम आपको समझाते हैं। समझौता होने पर विदेशों से आयात सस्ता हो जाएगा। चीन जैसे देश भारत में अपने उत्पाद डंप कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से डेयरी प्रोडक्ट की डंपिंग का खतरा है। सस्ते आयात से किसानों को नुकसान की आशंका थी। देश में दूध के कारोबार को बड़ा नुकसान हो सकता है। तिलहन दलहन के किसानों पर असर पड़ सकता था। असर बागवानी किसानों को भी बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका थी। कारोबारियों ने भी समझौते को लेकर आशंका जताई थी। दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट में
पुलिस और वकीलों के बीच मारपीट की न्यायिक जांच के बाद भी वकीलों का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो हैरान करने वाली है। दिल्ली में पुलिस और वकीलों के बीच छिड़ा घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 30,000 कोर्ट परिसर के बाद अब साकेत कोर्ट से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां वकीलों के बीच एक बाइक सवार पुलिसकर्मी घिर गया। सफेद शर्ट पहने इस शख्स ने पुलिस वाले से बदसलूकी शुरू की। पहले कोहनी से बार बार वार किया, जब पुलिस वाले ने बचकर निकलना चाहा तो उसे थप्पड़ जड़ दिया और इसके बाद हेलमेट फेंक कर मारने की कोशिश की। इस दौरान आसपास खड़े लोग बस तमाशा देखते रहे। न्याय के रखवालों की शर्मसार करने वाली यह तस्वीर जिस किसी ने भी देखी हैरान रह गया। हालांकि वकीलों का गुस्सा इतने भर से शांत नहीं हुआ और साकेत कोर्ट परिसर में बने पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया। काला कोट पहने इन लोगों ने खूब उत्पात मचाया। पहले थाने के बाहर लगा बोर्ड तोड़ा और फिर अंदर भी तोड़फोड़ की। साकेत कोर्ट के बाहर की एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है, जहां 20 सड़क पर काला कोट पहने लोग किसी की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। दो दिन पहले 30,000 कोर्ट में जिस वक्त बवाल हुआ, उस दौरान दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट से भी एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बड़ी संख्या में मौजूद वकील एक बाइक सवार शख्स पर हमला करते दिखे। दिल्ली में 30,000 कोर्ट परिसर में दो दिन पहले हुए बवाल के खिलाफ वकीलों ने देश भर में प्रदर्शन किया है। दिल्ली से लेकर यूपी तक वकील सड़क पर उतरे और इसी दौरान कई जगहों पर इसी तरह का हंगामा देखने को मिला। बात अयोध्या विवाद की, जिस पर एक अहम बयान आया है। यह अहम बयान आया है 1992 में देश के गृह सचिव रहे माधव गोडबोले का। गोडबोले ने पूर्व पीएम राजीव गांधी और नरसिम्हा राव पर सवाल उठाए हैं। अयोध्या विवाद पर फैसले की तारीख नजदीक है। 30 साल से मुद्दा सियासत के केंद्र में है। इस विवाद की वजह से दो समुदायों के बीच नफरत बढ़ी है, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या बातचीत से इसका समाधान निकालना संभव नहीं था? 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने के वक्त केंद्रीय गृह सचिव रहे माधव गोडबोले ने पूरे मुद्दे पर अहम खुलासा किया है। गोडबोले ने पूर्व पीएम राजीव गांधी पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि राजीव गांधी ने विवाद को सुलझाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के जमाने में और उसके बाद के पीरियड में ये किस तरह से किया जाए, उसके बारे में एक फर्म ओपिनियन, फर्म पॉलिसी पॉलिटिकल लेवल पे नहीं थी। ऐसे इसलिए आज जो भी कुछ आया उसने प्रेशर डाला तो उसके तरफ से निकाल हो गया। अयोध्या विवाद को लेकर पूर्व गृह सचिव ने राजीव गांधी पर संगीन इल्जाम भी लगाए हैं। उन्होंने पूर्व पीएम को दूसरा कार सेवक तक बता दिया। राजीव गांधी के ज़माने में तो और एक चीज़ हुई कि उन्होंने बाबरी मस्जिद पर जो लॉक्स लगाए गए थे वो निकालने की कार्रवाई करने की सूचना यूपी गवर्नमेंट को दी और इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने मैजिस्ट्रेट को अप्रोच किया और वो ताला निकाला गया। गोडबोले ने तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। गोडबोले के मुताबिक उन्होंने अनुच्छेद 355 लागू करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन नरसिम्हा राव सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई। गोडबोले के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। गोडबोले साहब को 27 साल बाद अगर होश आ रहा है, जब होम सेक्रेटरी तो क्या कर रहे थे,